नमस्कार दोस्तों, जब से राजस्थान पुलिस की साइट पर यह नोटिस अपलोड हुआ है कि 20 अगस्त से राजस्थान पुलिस के फिजिकल प्रस्तावित हैं, तब से स्टूडेंटों के मन में यह कंफ्यूजन बना हुआ है कि फिजिकल में क्या क्या होगा। पहले शारीरिक मापदंड होगा या पहले रेस होगी, रेस किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से आपकी हाइट नापी जाएगी, किस प्रकार से आपकी चेस्ट नापी जाएगी, कितना वजन चाहिए आपको, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब बटन के आगे आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि राजस्थान पुलिस से जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि शारीरिक मापदंड। तो दोस्तों राजस्थान पुलिस में जब आप फिजिकल करने के लिए जाओगे, सबसे पहले आपका होगा शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड में क्या होगा, आपकी हाइट नापी जाएगी, सीना और आपका वजन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हाइट। सामान्य क्षेत्र में पुरुषों के लिए हाइट है 168 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, महिलाओं के लिए 52 सेंटीमीटर, और जो 12 या शहरिया क्षेत्र में आते हैं उनको 160 पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 145। अब बात करते हैं सीना, तो सीना केवल पुरुषों के लिए नापा जाएगा, महिलाओं के लिए सीना यहां पर नहीं है। पुरुषों के लिए सीना होगा 81 से 86, यानी 5 सेंटीमीटर का आपके सीने में फुलाव होना चाहिए। तो दोस्तों अब आप अपने घर पर अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अगर आप सीना फुलाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप 5 सेंटीमीटर आराम से फुला देंगे। तो आप 2-4 बार घर पर आराम से प्रैक्टिस कर लीजिए, और मैं तो ये चाहूंगा कि आप फित्ते से, अगर आपका सीना कम पड़ रहा है तो आप फित्ता लेकर कोई भी अपने घर पर उसे नाप लीजिए, ताकि आपको वहां पर कोई परेशानी न हो, क्योंकि आपको 5 सेंटीमीटर वहां पर सीना फुलाना होगा और सीना होना चाहिए 81 से लेकर 86। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वजन। तो दोस्तों यहाँ पर वजन पुरुषों के लिए नहीं लागू होगा, पुरुषों के लिए वजन आपकी हाइट के अनुसार EMI के अनुसार आपका वजन लिया जाएगा, लेकिन महिलाओं के लिए कम से कम वजन होना चाहिए 47.5, ठीक है, किलोग्राम, और जो महिलाएं 12 या शहरिया क्षेत्र में आती है उनके लिए 43 किलोग्राम वजन होना चाहिए। पुरुषों के लिए यहाँ पर वजन की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपको वहां पर आपकी EMI के अनुसार आपका वजन होना चाहिए, यानी आप ओवरवेट या अंडरवेट नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, आप अगर शारीरिक मापदंड में अगर आप फेल भी हो जाते हो तो आपको अपील करने का दोस्तों वहां पर मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें लिख रखा है, शारीरिक मापदंड में जो विद्यार्थी असंतुष्ट रहता है, यानी असफल रहने के बाद जो असंतुष्ट रहता है, वो वहां पर 500 रुपए जमा कराकर उसी दिन वहां पर अपील कर सकता है। उस परीक्षार्थी को यदि मापदंड में सफल हो जाता है, वो दोबारा से उसका उसी दिन वहीं पर आपका मापदंड दोबारा होगा शारीरिक मापदंड, और आप अगर सफल हो जाते हो तो आपके वो 500 रुपये भी वापस कर दिए जाएंगे और आपको भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आप ये बात यहाँ पर स्पष्ट पढ़ सकते हैं। अगर वहां पर आपको कोई दिक्कत हो जाए, अगर आपकी चेस्ट वेस्ट नेपने में आपको, मतलब आपकी चेस्ट आपने सही फुला दी और नापते वक्त वहां पर 1 या 2 सेंटीमीटर कम रह जाए, तो आपको अगर विश्वास हो कि मैं दोबारा से कर सकता हूं, तो आप वहीं पर 500 रुपये लगाकर अपना फॉर्म भर दीजिए और उसी दिन आपको वहीं पर दोबारा से आपका शारीरिक मापतोल हो जाएगा, और अगर आप पास हो जाते हो तो आपके 500 रुपये भी वापस कर दिए जाएंगे और आप आगे प्रक्रिया में शामिल हो जाओगे। उसके बाद आपकी परीक्षा होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी PET, ठीक है। उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें आपको सभी को पता है रेस होगी, सबसे मेन इसमें रेस ही है। रेस होगी पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर, ठीक है, जो 20 मिनट या 20 मिनट से कम, यानी लास्ट 20 मिनट तक जो स्टूडेंट आ जाएगा उसे 15 अंक मिलेंगे, ठीक है, और जो 20 से ऊपर 22 तक आ जाएगा, यानी 22 मिनट तक जो स्टूडेंट आ जाएगा उसको 10 अंक मिलेंगे, और जो 22 से लेकर 25 तक आ जाएगा उसे 5 अंक मिलेंगे, और 25 से ऊपर हो गया तो दोस्तों वो फेल हो जाएगा। इसलिए आपको रेस की अच्छी तैयारी करनी है। कुछ स्टूडेंटों के ये मन में सवाल है कि रेस अब तो हमने तैयारी की नहीं, कम समय मिला, तो दोस्तों अब अभी ये 20 तारीख को जो आपके फिजिकल है ये प्रस्तावित है, ठीक है, इसमें यह भी हो सकता है कि 20 तारीख से नहीं भी हो, आगे भी खिसक सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने जो तैयारी की है उसे आगे और बढ़ाइए और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, कोई भी अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल भी ना आए, ठीक है, अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखें। महिलाओं के लिए फिजिकल 5 किलोमीटर होगा, जिसमें आपको 26 मिनट या 26 मिनट से कम आने पर 15 अंक मिलेंगे, और 26 मिनट से लेकर और 28 मिनट तक आने पर आपको 7 अंक मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपकी रेस होने के बाद आपको नंबरों का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा, यानी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें तो NCC के आपको अंक मिलेंगे, अगर आपके पास सी प्रमाण पत्र है तो आपको 5 अंक मिलेंगे, बी प्रमाण पत्र है तो आपको 3 अंक, और ए प्रमाण पत्र है तो आपको 2 अंक। अब जो स्टूडेंट होमगार्ड में है उसको, मतलब होमगार्ड में जिसने सेवा दी है, होमगार्ड में जो लगातार 5 वर्षों तक जिसने सेवा दी है उसे 5 अंक, और जिसने 2 वर्षों तक सेवा दी है उसे 4 अंक, और जिसने 1 वर्ष तक सेवा दी है उसे 2 अंक मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप ये अंक दे सकते हैं।